Okay, guys. So the next question is, what is the difference between structured and unstructured data? Let's answer this one. So ये आपको already पता होना चाहिए कि आपके पास जो data आता है machine learning में वो दो types का होता है, या तो वो structured होता है या फिर unstructured होता है, ठीक है? और इन दोनों की समझ आपको होनी चाहिए. So let's talk about structured data first. ठीक है, structured data को quantitative data भी बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि आप इसको quantify कर सकते हो. सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, ये एक ऐसा डेटा होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कोई टेबुलर डेटा. मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जहां पे आप CGPA, IQ और स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ये डेटा स्टोर कर रहे हो. नाउ दिस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा बिकॉज यू नो कि आपके इस फर्स्ट कॉलम में हमेशा CGPA वैल्यूज हैं, सेकेंड वाले में IQ वैल्यूज हैं और थर्ड वाले में प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ये वैल्यूज है. ठीक है, सो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज जनरली टेबुलर डेटा जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसको हम क्वालिटेटिव डेटा भी बोलते हैं, और ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है इन द फॉर्म कि ये नॉन टेबुलर होता है. इट इज नॉन टेबुलर और ये कोई भी फॉर्म ले सकता है. ठीक है, जैसे कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल हो गया एक सोशल मीडिया पोस्ट. लेट मी शो यू. अब ये बहुत क्लियर इमेज नहीं है बट यू विल गेट द आइडिया. सो ये आई गेस ट्विटर के ऊपर एक कमेंट चेन है जो किसी ने पोस्ट किया और लोग फिर उसके ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं. एंड यू कैन सी ये डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहो तो कितना डिफिकल्ट है इसको स्टोर करना बिकॉज इट इज सो अनस्ट्रक्चर्ड. सो किसी ने ट्वीट किया, उसके ऊपर इस बंदे ने रिप्लाई किया, इसके रिप्लाई के ऊपर 5 रिप्लाईज आए हैं और रीट्वीट्स हुए हैं और इतने हार्ट्स मिले हैं, इस बंदे का जो भी नाम है, इसने कब पोस्ट किया. तो यू कैन सी इस तरह के डेटा को अगर आप स्टोर करने जाओगे तो यू कैन नॉट स्टोर इट स्ट्रक्चरली. ठीक है, तो आपको इसको इसी नेटिव फॉर्म में ही स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है, तो सोशल मीडिया पोस्ट एक एग्जाम्पल हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का. आपकी जो टेक्स्ट फाइल्स हुई उनके अंदर जो डेटा है, या फिर इसके अलावा भी, मतलब और भी बहुत तरीके का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपको दुनिया में मिलेगा. ठीक है, कुछ कोर डिफरेंसेस का अगर आप बात करूं तो पहला डिफरेंस ये है कि क्लियरली स्ट्रक्चर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा मोस्टली टेक्स्ट होता है. यू कैन सी दीज आर टेक्स्चुअल वैल्यूज, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी अ साउंड फाइल लाइक MP3, इट कुड बी अ इमेज, इट कुड बी अ वीडियो, मतलब नॉट ओनली टेक्स्चुअल डेटा, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, तो इस तरह के डेटा को भी आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि स्ट्रक्चर्ड डेटा में आप बहुत इजीली सर्च कर सकते हो, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो सर्चिंग है वो डिफिकल्ट होती है, और ये लॉजिकल भी है. ठीक है, मतलब सिंस डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, जो आपके सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनको चीजों को सर्च करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है. फर्स्ट ये रीजन है, सेकेंड ये रीजन है कि कई बार आपको टेक्स्चुअल डेटा ही नहीं होगा तो सर्चिंग का तो लॉजिक ही नहीं बनता. ठीक है, थर्ड जो है वो ये है कि आप कि जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, डिसीजन ट्री हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये बहुत इजीली एप्लीकेबल होते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर. स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना बहुत इजी है, आपने शायद प्रैक्टिकली किया भी होगा. वेयर एज अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एक्सपेक्ट करते हैं टेबुलर डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज कि किस तरह के डोमेन में यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा. एनालिटिक्स वगैरह के डोमेन में बहुत यूज होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा. वेयर एज अगर आप बात करो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का तो ये यूज होता है इन डोमेन्स लाइक NLP, टेक्स्ट माइनिंग एंड कंप्यूटर विजन. ठीक है, तो that is the major point of difference. इसके अलावा और भी differences हैं. अगर आप डेटाबेस के एंगल से देखो तो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज जनरली
stored or used in the format of SQL, whereas unstructured data को आप NoSQL databases use करते हो like MongoDB, ठीक है. यहाँ पे schema होता है basically rules, यहाँ पे schema नहीं होता है, ठीक है. तो इस तरह के बहुत सारे और differences निकल के आएंगे, but आपको ये question अगर पूछा जा रहा है तो आपसे ये expect कर रहे हैं कि आपको पता हो कि मशीन लर्निंग के डोमेन में कब आपको स्ट्रक्चर डेटा मिलेगा, कब आपको अनस्ट्रक्चर डेटा मिलेगा, और स्ट्रक्चर डेटा को कैसे हैंडल करना है, अनस्ट्रक्चर डेटा को कैसे हैंडल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग बस आपके पास होनी चाहिए. ये आपका चेक किया जा रहा है.